तो प्रेगनेंसी के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुला है या फिर नहीं खुला है, ये आप कैसे पता कर सकते हैं? बहुत सारे वीडियो में ऐसा कहा जाता है कि आप अपने फिंगर को अपने वजाना के अंदर डालें और इससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका सर्वेक्स खुला है या फिर नहीं खुला है। तो दोस्तों देखिए, अगर आप ये करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको बता दूं, आप ऐसी गलती बिल्कुल ना करें, क्योंकि ऐसा करने से आपके साथ बहुत सारी परेशानी हो सकती है, जैसे कि आपको चोट लग सकती है, अंदर आपके घाव वगैरह हो सकता है, इसके अलावा आपको ब्लीडिंग हो सकती है और इन्फेक्शन भी हो सकता है। इसलिए ये गलती तो बिल्कुल ना करें। लेकिन होता ये है कि और भी बहुत सारे तरीके होते हैं जिससे कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी के लिए आपके बच्चेदानी का मुंह खुल गया है, तो ये हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, आपको पता ही होगा कि जितनी भी महिलाएं होती हैं ना, उनके दो ओवरी होते हैं, यानी कि दो अंडाशय होते हैं, और हर एक महीना एक ओवरी से एक अंडा रिलीज होता है, और जब अंडा रिलीज होता है तो उसको बोला जाता है ओवुलेशन। और ओवुलेशन के पीरियड में ही, ओवुलेशन के टाइम में ही अगर महिला का अंडा स्पर्म से मिल जाता है तो महिला गर्भवती हो जाती है। यहाँ तक तो आपको पता ही होगा। तो सबसे पहले तो ये बात जानना ज़रूरी है कि क्या सच में ही अगर आपका अंडा बाहर आता है तो आपका सर्वेक्स ओपन हो जाता है। तो ये बात बिल्कुल सच है कि जब आपका अंडा रिलीज होता है तो उस समय आपका सर्वेक्स थोड़ा सा ओपन हो जाता है, और इसके अलावा आपके सर्वाइकल म्यूकस में यानी कि डिस्चार्ज में भी चेंजेस आते हैं। जितनी भी महिलाएँ होती हैं उन सभी को हर महीने कभी कम कभी ज़्यादा डिस्चार्ज होता ही रहता है, और ये हार्मोन्स की वजह से होता है। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे बात करें तो नॉर्मली ज़्यादातर महिलाओं का जो पीरियड का साइकिल होता है, पीरियड का जो चक्र होता है ना, वो 28 दिनों का होता है, और 28 दिनों में अगर आप एक तारीख को अगर अपना पीरियड का डेट मानते हो तो एक तारीख से लेकर 4-5 दिन तक तो पीरियड में निकल जाते हैं। पीरियड के बाद जो 4-5 दिन का समय होता है ना, उस समय जो डिस्चार्ज होता है वो या तो बहुत कम होता है, मतलब कि ना के बराबर होता है, या फिर आप ये मान सकते हैं कि वो डिस्चार्ज जो है ना थोड़ा सा स्टिकी होता है, ठीक है। तो उसके बाद 10वें दिन से लेकर 14वें दिन के बीच क्या होता है कि इस समय आपका अंडा बाहर आने को तैयार होता है, और इस समय आपके डिस्चार्ज में परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? इस समय आपको डिस्चार्ज पहले के मुकाबले ज़्यादा मात्रा में आता है। आपका डिस्चार्ज इस समय काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, पतला हो जाता है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा वाटरी हो जाता है। और अगर आप इस डिस्चार्ज को अपने फिंगर और थंब की सहायता से स्ट्रेच करोगे तो लगभग 1 इंच स्ट्रेच हो जाता है, मतलब कि 1 इंच लंबा आपका यह डिस्चार्ज हो जाता है। दिखने में यह डिस्चार्ज आपका कच्चे अंडे का जो सफ़ेद भाग होता है ना, उसकी तरह लगता है। और आपको ऐसा डिस्चार्ज क्यों होता है? क्योंकि इस समय आपके शरीर से अंडा बाहर आने के लिए बिल्कुल तैयार रहता है, और इसका कारण होता है एस्ट्रोजन हार्मोन्स, मतलब ये कि एस्ट्रोजन हार्मोन्स की वजह से ही आपको ऐसा डिस्चार्ज होता है। और जब आपका एग बाहर आने के लिए बिल्कुल रेडी होता है ना, तो आपका डिस्चार्ज और ज़्यादा बढ़ जाता है, आपके डिस्चार्ज का अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और जब आपका अंडा बाहर निकल के आ जाता है तो आपके शरीर में एक हार्मोन्स और बनता है, वो है प्रोजेस्टेरॉन। और प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जब बनता है ना, तो उस समय क्या होता है कि आपका जो डिस्चार्ज है ना वो कम हो जाता है और वो थिक हो जाता है, यानी कि आपका 15 से लेकर 20 दिन का जो समय होता है ना, उस समय आपको कम ही डिस्चार्ज होता है। और उसके 3 से 4 दिनों तक भी आपका डिस्चार्ज कम ही रहता है, या फिर आपको डिस्चार्ज नहीं होता है। और उसके बाद पीरियड आने से 2 से 4 दिन पहले या फिर 1-2 दिन पहले भी आपका डिस्चार्ज काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इस तरीके से आपको हर महीने डिस्चार्ज होते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको अपने डिस्चार्ज पर नज़र रखना है। अगर आप 3-4 महीने अपने डिस्चार्ज पर नज़र रख लोगे ना, मतलब कि सर्वाइकल म्यूकस पर नज़र रख लोगे, तो आप समझ जाओगे कि कब आपका जो डिस्चार्ज है वो पतला हो जाता है, काफ़ी अधिक मात्रा में होता है, मतलब कि वाटरी डिस्चार्ज आपको किस समय होता है। नॉर्मली ऐसा डिस्चार्ज आपको ओवुलेशन के समय होता है, यानी कि जब आपका अंडा बाहर आने वाला होता है तो उस समय आपको ऐसा ही डिस्चार्ज होता है। तो ये सबसे अच्छा समय होता है रिलेशन बनाने का, मतलब कि प्रेगनेंसी कंसीव करने का। तो अपने पीरियड के लगभग 10 से लेकर 14 दिनों के बीच अगर आप रिलेशन रखते हैं तो इस समय बहुत हद तक चांसेस हैं कि आप प्रेग्नेंट हो जाएँ। वैसे आपको पता ही होगा एग का लाइफ ज़्यादा दिनों का नहीं होता, केवल 1 दिन का होता है, और इसी दिन ही अंडे को स्पर्म से मिलना होता है। तो स्पर्म तो आपके बॉडी में 3 से 4 दिनों तक, 5 दिनों तक, और किसी किसी के तो 7 दिनों तक जीवित रहते हैं, लेकिन एग केवल 1 दिन तक जीवित रहता है, 24 घंटे तक रहता है, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है और नेक्स्ट पीरियड में बाहर आ जाता है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, अपने वाइट डिस्चार्ज पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना होगा। इसके अलावा जब आपका अंडा बाहर आने वाला होता है, आपका सर्वेक्स ओपन होने वाला होता है, मतलब कि आपका ओवुलेशन पीरियड चल रहा होता है, तो उस समय आपके बॉडी में और भी कुछ चेंजेस होते हैं,
जैसे कि पहला आपके बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है, यानी कि बेसल बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि इस समय आपके शरीर में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ जाती है, जिस वजह से ही आपका बॉडी का तापमान बढ़ जाता है। तो आपको करना ही क्या है, जब आपके पीरियड का 10वां दिन हो जाता है ना, तो उस दिन से डेली सुबह उठ के अपने बॉडी का तापमान आपको चेक करना है। और जिस दिन आपको लगता है कि आपके बॉडी का तापमान बढ़ गया है, तो एक ये लक्षण है कि शायद आपका ओवुलेशन पीरियड आ चुका है। इसके अलावा जो दूसरा लक्षण है वो ये है कि इस समय कुछ महिलाओं को स्पॉटिंग हो जाती है, मतलब कि हल्की फुल्की ब्लीडिंग हो जाती है, जो कि गुलाबी कलर की हो सकती है या फिर ब्राउन कलर की हो सकती है। सभी के साथ नहीं होता, लेकिन किसी किसी महिला के साथ ऐसा हो जाता है। और किसी महिला के साथ क्या होता है कि उनके पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है, यानी कि एग बाहर आने पे, ओवुलेशन होने पे महिला के पेट के निचले हिस्से में दर्द हो सकता है। और यह दर्द आपको अचानक से होता है, बहुत तेज नहीं होता, हल्का होता है लेकिन अचानक से होता है, तो इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसके अलावा कुछ कुछ महिलाओं का इस समय पेट फूल जाता है, किसी किसी महिला का जो ब्रेस्ट है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, तो इस तरीके से आप घर पर अंदाज़ा लगा सकती हैं। इसके अलावा जब आपका अंडा बाहर आता है ना, तो क्या होता है कि आपका जो सर्वेक्स है ना, वो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, मतलब कि खुल जाता है। और इसके अलावा आपका जो सर्वेक्स है ना, वो हाई हो जाता है, पहले लो रहता है और फिर हाई हो जाता है। लेकिन बच्चेदानी का मुंह खुला है या फिर नहीं खुला है, इसे चेक करने के लिए अगर आप फिंगर का इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आप पता नहीं लगा सकती हो, क्योंकि आपके बच्चेदानी का मुंह इतना ज़्यादा नहीं खुलता कि आप बहुत आसानी से पता लगा सको। मुश्किल से 1 या 2 मिलीमीटर ओपन होता है, और सर्वेक्स पहले से भी थोड़ा सा ओपन रहता है, तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकते हो? मतलब कि अपनी फिंगर की सहायता से आप 1 या फिर 2 मिलीमीटर ओपन हुआ या फिर नहीं हुआ है, बिल्कुल भी पता नहीं लगा सकते हैं। हाँ, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको चेक करके बता सकती है, क्योंकि वो एक्सपर्ट होती हैं। इसके अलावा वो इसी चीज़ की पढ़ाई करी हुई होती हैं, और क्या होता है कि जब वो चेक करती हैं ना, तो वो चीज़ को देख सकती हैं कि हाँ कितना ओपन हुआ है। आप खुद से नहीं देख सकते हो कि और फिंगर डाला और पता कर लिया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो ऐसे चक्कर में ना पड़े, और अगर आप ऐसा करते भी हो तो क्या होगा, आप जख्मी हो जाओगे, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा, और डॉक्टर क्या करेंगे, आप पे गुस्सा करेंगे, आपके पैसे भी खर्च होंगे। तो बेहतर यही है कि आप ऐसी गलती ना करें, खुद से कभी भी अपने सर्वेक्स को चेक करने की कोशिश ना करें, और हो सके तो अपने सर्वाइकल म्यूकस पे नज़र रखें। मैंने आपको बता ही दिया कि किस टाइप का म्यूकस होता है जब आपका सर्वेक्स ओपन होने वाला होता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी बहुत सारे आपको मार्केट में किट मिल जाते हैं, ओवुलेशन किट आते हैं, जिससे कि आप ट्रैक कर सकते हो, और कोशिश करो कि अपने ओवुलेशन पीरियड में आप ज़्यादा से ज़्यादा संबंध बनाएं, ताकि आपकी प्रेगनेंसी रुकने की संभावना ज़्यादा हो। बाकी अगर आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुक रही है, तो फिर आपको डॉक्टर के पास ही जाना चाहिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, नमस्ते।